पुलिस लाइन बालाघाट के शहीद स्मारक में गुरुवार को पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों की वीरता की गाथा सुनकर हर किसी की आंख नम हो गई। लेकिन उनकी शहादत को नमन करने को मौजूद पुलिस अफसरों और कर्मचारियों का चेहरा गर्व की अनुभूति से दमक भी उठा। इस मौके पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में, जिले की सुरक्षा में हमारे जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके शौर्य और साहस को आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का दिन कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देता है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर, अपने जिले के खातिर, अपनों को बचाने के लिए और अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। ऐसे अमर शहीदों को आज हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज हमने उनके परिवारों का सम्मान किया। जिन परिवारों ने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे परिवारों को आज हमने सम्मान भी किया है। और पूरा बालाघाट जिला का प्रशासनिक अमला से लेकर जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने आज इस शहीद दिवस पर श्रद्धा सुमन। पुलिस स्मृति दिवस पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय ने देशभर में शहीद हुए जवानों के सूची का वाचन किया। इसके बाद नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वालों की याद में परेड की गई। तत्पश्चात शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र और पुष्पांजलि अर्पित करके उन वीर शहीद पुलिसजनों को याद किया गया जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 से लेकर अब तक अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों को बलिदान कर दिया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गौरीशंकर बिसेन अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ADGP आशुतोष राय ने बताया कि आज का दिन देश की सीमा सुरक्षा में लगे जवानों से लेकर आंतरिक सुरक्षा में लगे जवानों के शहादत के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है। हमारे कुछ साथी जो अपने कर्तव्यों के दौरान शहीद हो जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनके परिजनों का सम्मान किया जाता है। अक्टूबर की जो तारीख है वो पुलिस में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे प्रदेश में मनाते हैं, पूरे देश में मनता है, हर पुलिस यूनिट बनाती है इसको। हॉट स्प्रिंग में घटना हुई थी, उसमें CRP की एक सेक्शन जो गई थी अपने पेट्रोल ड्यूटी पे, फिर वो लौटी नहीं और उसी के बाद से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे शुरुआत हुई थी लद्दाख में। और घटनाक्रम ऐसा हुआ, आप देखिए कि इससे एक तरह से पूरा देश जुड़ गया, हर पुलिस यूनिट जुड़ जाती है आज के दिन। इस समय यही सूची सबने पढ़ी है, सब कुछ सेम रहता है पूरा वे, कोई ऐसा नहीं है। तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, थोड़ा वो भी रहता है कि हमारे कुछ साथी चले जाते हैं, ऐसा हमारा लॉस होता है, लेकिन वो हमारा प्रोफेशनल हजार्ड है। वो चीज़ें हमारे जॉब जिस तरह का काम है उससे जुड़ी हुई हैं, तो है तो थोड़ा दुख है, लेकिन ये है कि उनको याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी इज्जत की जाती है। और अब जैसा आपने देखा, उसे विभाग, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया, प्रेस, सब इसमें सहयोग करते हैं, सब जुड़ जाते हैं, सब एक ही हो जाते हैं।
पुलिस अधीक्षक आजाद श्री गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाहाट श्री संदीप सिंह एसडीएम वाराणसी श्री निकिता मंडलोई एसडीएम कोल्हापुर रोहित कमोरे एसडीएम कटंगी रविंद्र परमार एसडीएम लांजी